तो आज हम लोग एक कैपेसिटर का कॉन्टैक्टर चेंज करने वाले हैं, जो कि अपना कैपेसिटर 450 के वीआर का है। तो इसका आज हम लोग एक कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया, उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको खोल कर सबसे पहले मेन सप्लाई बंद कर दिया हूँ। तो मेन सप्लाई बंद करने के बाद मैं यहाँ, ये कॉन्टैक्टर जो है ना, ये ख़राब हो चुका है, तो इसको हम लोग आज चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहिए, देखिए हम लोग कैसे चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर जो ये 50 का है, तो हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैठ जाते हैं और इसको खोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, इस कॉन्टैक्टर को नया बनाने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देख सकते हैं हम इसको खोल चुके हैं, जो कि ये कॉन्टैक्टर ख़राब हो चुका था। तो हम लोग अब देख सकते हैं 50 का है, 50 का एमओ है। ये थोड़ा सा इसमें लाइटिंग हुआ था और इसका पट्टी वगैरह जो है जल गया है। तो हम लोग इसको सबसे पहले नया ले जाए। हम देख सकते हैं इसमें हम लाए थे नया, तो हम लोग ये इसको बैठाने वाले हैं। देख सकते हैं आप, एमओ जो है 50 के वीआर का है, कॉइल 240 का है, तो 440 वोल्ट का है। तो हम लोग इसको बैठाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, तो मैं बैठा कर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको बैठा दिया। अभी नीचे का 3 वायर है, जो कि देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा इसको जल गया था उस कॉन्टैक्टर में जो लगाया था चूना वाला। तो हम लोग इसको बैठाने वाले हैं, चलिए इसको फिट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस वायर को टाइट कर दिया हूँ, और इसमें 4 का, किसी किसी का 4 का या 5 का एलंकी लगता हुआ है इसमें। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 4 या 5 का एलंकी लगता है, उससे हम लोग पूरा फुल टाइट करके अभी इसको चालू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है, तो मैं इसको पूरा फुल टाइट कर देता हूँ, ताकि ये वायर लूज ना रहे। और ये एमसीबी बंद करके ही काम कीजिएगा आप कभी भी। तो मैं इसको टाइट करता हूँ, चलिए मैं फटाक से इसको टाइट करके दिखाता हूँ आपको। टाइट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये एनओ का जो एनओ एनसी ऊपर का होता है, मैं इसको लगा दिया हूँ एक वायर, और एक वायर नीचे लगाने वाला हूँ। 13 लगाया हूँ, 14 लगा देता हूँ, और उसके बाद अपने को ये लगाने का कॉन्टैक्टर को सेफ्टी देने का, ताकि हिले ना, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ दोनों तरफ से लॉक लगाने का। तो आप देख सकते हैं ये लॉक इधर से लगाने वाला है। देख सकते हैं इसमें थोड़ा अंधेरा इधर है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो आप इधर से देख सकते हैं लॉक लग चुका है। तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ और इसको भी लगा लेता हूँ, ये वायर जो लगने वाला अपना, तो मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो चुका है, मैं नीचे का भी वायर स्टॉपर भी लगा दिया हूँ, ताकि कॉन्टैक्टर चालू होने बाद इधर उधर ना जाए। तो आप देख सकते हैं सभी ऑन है, तो इसका एमसीबी मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद सप्लाई चालू होने वाला है, ऑन कर दिया, अभी सप्लाई चालू करेंगे हम, तो ये ऑन होगा। अपना जो भी टूल्स है इसको रख लेते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो मैं फटाक से इसको कर लेता। तो हो चुका है, तो हम इसको बंद करते हैं, पहले ये भी हटा लेते हैं यहाँ बैठ। तो आप देख सकते हैं ये जो एमसीबी है, इसको हम ऑन करने वाले हैं, ऑन हो चुका है, और इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो था काम वर्क पूरा हो चुका है। ये जो कॉन्टैक्ट खराब हो गया था, इसको हम लोग एक्सचेंज कर दिए हैं। आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि ये कैसे ख़राब होता है और इसका क्या क्या ख़राब होने का कारण होता है, मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो इस कॉन्टैक्टर के बारे में अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि मैं कोई भी इससे वीडियो, कॉन्टैक्टर हो या रिले हो, इसके बारे में वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।